वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। सो यू आर वाचिंग प्राची व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए। टाइम हो रहा है 9 और मैंने पहना अपना स्काई ब्लू कलर का ये नाइट सूट और रिंकी ने पहना है ये व्हाइट और नीचे ये मैरून कलर का लोवर। तो गाइस ये हमारी ड्रेस है। अब हम चल रहे हैं और पहले हम खाना खाएंगे और हम रिंकी मत देख ऐसा कर। गाइस क्या करें, यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है। ऊपर से कुछ लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर ना बर्फ गिर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो हम यहाँ से अब नीचे से अपनी जैकेट भी पहन पहन के जा रहे हैं। मैंने भी पहन। सो गाइस यहाँ पे हमारे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। वैसे हमने करवाया हुआ है बट मैनुअली भी करवाना पड़ता है। हम लेट हो गए गाइस और ये लोग यहाँ पे है। सो गाइस हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। सामने है गेट जहाँ से कि होगा फाइनली हमारा एंट्री गेट है वो। गाइस हमने लाठी भी ले ली, कार्ड भी ले लिया, रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, बस अब हमें चलना ही चलना है। सो गाइस यहाँ पे अभी हमारी हुई है चेकिंग का, देख रही है। और इन और लड़कों की लाइन तो बहुत लंबी है, तो हम लोग तो पहले आ गए क्योंकि हमारी वाली खाली थी। और पीछे आप रश देख रहे हो कि कितना ज्यादा हो रहा है। और पता गाइस हमें कहाँ जाना है? वहाँ पे ऊपर। सो गाइस यहाँ से हमने एंट्री करते ही सबसे पहले हमने लिया यहाँ से पानी। और देखो कितना प्यारा इस पे बनाया हुआ है शेर। नोनी शेर के मुंह से पानी आ रहा है गाइस, पी लिया। गाइस ये है बाढ़ गंगा और यहाँ से ही सबसे पहले हमारी चढ़ाई स्टार्ट होगी क्योंकि यहीं से स्नान करने के बाद सब लोग आगे आगे जाते हैं। और यहाँ पे देवी माता ने सबसे पहले क्या करे थे, बाल धोए थे अपने ना, तो इसी वजह से इसका नाम देव गंगा बाढ़ गंगा पड़ गया। चलो अब हम भी दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये उज्जवल रिंकी और करण बाढ़ गंगा में। सो गाइस फर्स्ट पड़ाव हमारा पूरा हुआ और सेकंड पड़ाव कौन सा है? अब सेकंड पड़ाव ये है, देवी माँ जब यहाँ से निकली थी तो सबसे पहले दर्शन करने गई थी मंदिर में, वो सब अब आगे हमारे रास्ते में वो पड़ेगा। अच्छा, अब हम उसके दर्शन। तो चलो गाइस आपको अब हम सेकंड पार्ट दिखाते हैं आपको, सेकंड पड़ाव अपना जहाँ पे देवी माता ने दर्शन किए थे। हो सकता है हमारे फेस थोड़े अप डाउन आए क्योंकि गाइस यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है और रात भी हो रही है। उठते थे। सो गाइस चलते चलते अभी हम थक गए हैं बहुत ज्यादा, सारे वेट कर रहे हैं और अभी मंगाया खीरा और लाओ। और गाइस सच्ची में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खीरे इतना टेस्ट तो घर में नहीं आता। सेकंड पड़ाव हमारा यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ आई थी फर्स्ट पड़ाव है, यहाँ पे दर्शन करने आई थी माता वैष्णो। ये क्या है? चरण पादुका सबसे पहले हाय गाइस।
करना आप क्या कम ऊपर है नीचे है इसमें सोने का इस कैसे हो आप सब लोग गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी अर्धकुंवारी के पास में अर्धकुंवारी टेंपल है यहाँ पे और उसके पास में एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम खाना खा रहे थे बैठ के प्लाचेरी इसके लिए थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है चढ़ने में हालत बुरी हो गई थी तो मैं यहाँ खाना खाया अब इसके बाद चलते हैं हम वैष्णो धाम भवन भवन चलते हैं फिर देखते हैं अभी हम अर्धकुंवारी के पास में एक होटल है वहाँ पे हम खाना खाने सो गाइस आपको एक अलग ही और एक अद्भुत प्रकार का मैं आपको एक चाचा निकालने दिखाने वाली हूँ उज्ज्वल का ऐसा आज तक नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा आज तक कुछ अलग ही अलग एक्टिविटीज कर रही है यहाँ पे और रिंकी जी हरकते नोट कर ले क्या चीज नहीं 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 सिगार है हुक्का हुक्का पीले पीले ओ मोरे राजा नहीं नहीं ओका ओका जिंदगी भर रोती रही हो बीड़ी ही पी रहा है गाइस थकान बहुत ज्यादा हो रही है और अभी हम अपना डंडा उठाते हैं और चलते हैं दोबारा से चढ़ाई की तरफ हमने खा लिए डंडे सो गाइस यहाँ पे अभी हम खा रहे हैं जलेबियाँ क्योंकि खाना खाने के बाद तो हमारा रह जाएगा अधूरा हमारा खाना तो हम सबसे पहले जलेबी खा रहे हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम चढ़ाई मुझे भी खिला दो यार बेशर्म हो सारी बेटिंग है ये गाइस हमने जैकेट पहन ली ये दिखा दे बेटिंग का अर्धकुंवारी की बेटिंग अर्धकुंवारी की बेटिंग है गाइस हमें मिला है 40 घंटे बाद का ऐसे जितनी भी भीड़ है ना सारी अर्धकुंवारी की भीड़ है क्योंकि सबको टाइम मिला है 50 आवर ये जो ये दिखा रहे हैं ये देखो रास्ता आ जाओ आओ यहाँ पे भी दिखा हो यहाँ पे इतनी भीड़ है यहाँ पे इतनी ज्यादा वेटिंग चल रही है कि लोग सब ऐसे ही बैठे हुए हैं मैं की बात कर रही हूँ ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है एकदम जय माता दी 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 सो गाइस हमें यहाँ पे पहुँचते माता के भवन पहुँचते हमें होगी सुबह और हो सकता है कि आज हमारे फ़ोन यहाँ पे जमा हो गए हैं इससे आगे का सफ़र मैं आपके साथ शेयर ना कर पाऊँ क्योंकि फ़ोन जमा हो जाएंगे तो गाइस उसके बाद का तो नहीं हो पाएगा लेकिन अभी यहाँ पे हम नहा धो के कपड़े चेंज करेंगे और उसके बाद हम अपने मतलब मंदिर में जाएंगे कहाँ गए और पता है मेरे को भी बिठा ले तो गाइस रिंकी उज्ज्वल अभी आ रहे हैं और फिर उसके बाद हम भवन जाएंगे चेंज करके नहा धो के और हम प्रसाद भी लेंगे है ना तो आपका और हमारा सफर अभी यहीं तक है मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी भैरव हम किससे जाएंगे उससे जाएंगे ना पैदल भैरव का भी कंफर्म नहीं है गाइस अगर मैं ट्रॉली से जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि वहां पे क्या क्या और आपका सर आ गया आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे क्या क्या मतलब जो रास्ते में पड़ेगा जो भी भैरव के दर्शन करवा दूंगी भैरव को फोन ले जाना मना नहीं है ना भैरव के दर्शन हो सकते हैं चलो मिलते हैं सो गाइस हमारे कपड़े चेंज हो गए इन्होंने पहनी है ग्रीन शर्ट व्हाइट जैकेट ही पहनी है और अपनी पहनी है ब्लू पैंट
भाई उज्जवल कपड़े दिखा, उज्जवल इसका लुक कुछ ऐसा है, ये सलमान खान वाला पोज दे रहा है। अब कर ऐसे गाइस, ये थोड़ी सी आलसी बन गई है, यहाँ आने के बाद जैकेट वैकेट पहन के कपड़े चेंज कर लिए, दिखाएगी कपड़े अपने गमले में इसलिए खुद अपना रुको। तो गाइस मैंने पहना है रेड कलर का सूट जो कि मेरी मम्मी लेके आई थी बहुत प्यार से। मैं कैसी लग रही हूँ इस रेड सूट में आप बताना कमेंट करके। गाइस हाथी को ना फिटिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, हाथी क्या ऐसी आ गया तो गाइस ये दीदियाँ ये भी बहुत अच्छे से तैयार हुई हैं, आप बताओ कि ये भी कैसी लग रही हैं। इनका नेट लुक देखो जींस के ऊपर। अरे मैं सूट लेके आई थी गाइस, ये भी ना इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाती है, तो आप लोग इन लोगों इनको भी इनकी आईडी पे जाके इनको भी देखना, अच्छी अच्छी रील्स बनाती है। दीदी आईडी बता दो किस नाम से। रजनी ढिल्लो, रजनी ढिल्लो के नाम से अभी जाके जरूर देखना ढिल्ली ढिल्ली वीडियो। सो फाइनली गाइस हमारे माता रानी के दर्शन हो चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं ट्रॉली में, उसकी पहले हम टिकट लेंगे। टिकट की बहुत लंबी लाइन है जो कि कम से कम एक से डेढ़ घंटा लग गया गाइस हमें लाइन में खड़े 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 खड़े। और ये और इनकी इसकी हालत देखो कैसे, इसकी तबीयत खराब हो गई थी गाइस यहाँ पे। और अभी हम टिकट लेंगे, टिकट लेने के बाद फिर हम जाएंगे अपनी ट्रॉली में, और गाइस ट्रॉली में कितना मजा आने वाला है वो मैं आपके साथ वीडियो के थ्रू शेयर करूंगी। और गाइस देखो हम लोगों को मिला यहाँ पे खजाना, कितना सिक्का मेरे पास पहले भी था ना, सिक्का नहीं खजाना जो उस पे दिवाली पे यूज किया था। हाँ चलो गाइस चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे बैठने की जगह तो है नहीं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो हम लोग खड़े हुए हैं और अभी रिएक्शन नोट करते हैं रिंकी जी क्या क्या होने वाले। मेरे को खुद ही डर लग रहा है, कैसा लग रहा है पता चलेगा अभी चलेगी तो तब निकलेगा सेम ही। भाई देखो बच्चे कैसे हो रहे हैं डर के मारे। मारेंगे पर ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हम पहुंचने वाले हैं। सो गाइस भैरव बाबा के हम दर्शन करके आ गए और अब हम अपनी उसी लिफ्ट से वापस जा रहे हैं। बाहर का नजारा आपको दिखाती हूँ, हमारी टोली में आ गया है चलो अब रिंकी भी आ गया गाइस। ये बाहर का आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी अभी। डर के रिएक्शन, डर के रिएक्शन, डर तो लगता है यार क्योंकि पता है ऐसा सॉरी मैं वीडियो नहीं सेंड करूंगी आपको, मतलब बदतमीजी दिखानी है। ओए क्या हुआ डर लग रहा है। दरवाजे को जबरदस्ती खोलने या बंद करने का प्रयास, कितना अच्छा होता सीधा कट रहा है यहाँ से। तो गाइस हम थक चुके थे बहुत ज्यादा और हम करवा रहे अपनी फुल बॉडी मसाज ना कराची दोनों ये दोनों, हमारे पैरों में इतनी भी जान नहीं बची थी कि हम अब आगे भी चल सके। तो जैसे यात्रा कम्प्लीट है हमारी हालत अभी तो बहुत ज़्यादा बुरी, तो फिर हमने फुल बॉडी मसाज करवाने की सोचा और वही करवाने आ गए। भाई के पास से आप शुरू कर जाएंगे।